अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिसी हिजाज जफर। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बहुत अच्छी। तो सुबह का टाइम है और ये है कि गैस आ रहा है बहुत तेज, तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। गोश्त जो है ना, मैं बड़ा बना रही हूँ। और ये है कि सुबह का टाइम है, नाश्ता मैंने नाश्ता वगैरह करवा के जफर को भेजा हुआ है, क्योंकि सिलेंडर पर गैस भी नहीं है। तो मैंने बोला कि अगर गैस आ रहा है, बाय चांस गैस चला जाता है, तो सिलेंडर पे काम किया जाए। तो जफर गए हुए सिलेंडर डलवाने के लिए, नाश्ता वगैरह मैंने उनको करवा दिया है। सुबह का टाइम है, शदीद वाली हो रही है धूप और गर्मी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सुबह की रूटीन भी। और आज मैं बोली थी आलू गोश्त बना के रख लूँ, क्योंकि शाम को सिलेंडर गैस चला जाता है, बड़ी मुश्किल होती है। गैस अभी बहुत तेज है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने बोला सुबह सुबह क्यों ना मैं गोश्त रेडी करके रख लूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं हो, गैस महंगा भी बहुत हो गया, बहुत मुश्किल से हर एक चीज़ को मैनेज करते हैं। बाकी मैं दिखाती हूँ सुबह का टाइम है, नाश्ता गैस के लालच में अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मेरा नाश्ता भी ऐसे पड़ा हुआ है। और धूप जो है, गर्मी जो बहुत शदीद वाली हो रही है, अभी आपको दिखाती हूँ जी। सुबह का टाइम है और नाश्ता वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जफर को करवाया है, इजन ने किया है। और ये देखें, मेरी चाय भी ऐसे पड़ी हुई है और नाश्ता भी मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये देखें। और ये देखिए, चाय के बर्तन भी मेरे ऐसे पड़े हुए हैं। और गोश्त मैंने जो है ना सुबह से उठी हुई थी, मैंने ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि गैस का कुछ पता नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे सारा मैंने मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया है। और समझो कि बस ये रेडी होने वाला है। और ये कि बस जल्दी जल्दी थी, नाश्ता भी बनाना था, मुझे बहुत सारे काम थे जो मुझे करने थे, तो इस वजह से साथ साथ लोग नहीं बना पाई। तो मैंने बोला चलो शॉर्ट जो बनता है वो मैं आपसे शेयर करती जाऊँ। तो सिलेंडर के लिए जफर को मैंने भेजा हुआ है, अगर बाय चांस अगर चला जाता है गैस, तो सिलेंडर के ऊपर बनाया जाए जी। सुबह का टाइम है, सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, चाय मेरी ऐसे ही पड़ी हुई है। तो मुझे एक वो था, लालच था कि जल्दी जल्दी जो है ना, मैं गैस आ रहा है तो सब कुछ कर लो। तो गैस देखें यहाँ पे चला गया है, और यहाँ पे मैंने सिलेंडर पे ना जो है ना गोश्त रख दिया, आलू जैसे ही डाले थे वैसे ही जो है ना गैस चला गया था। पर आलू मैंने दो तीन ही डाले हैं, ताकि जो है ना गोश्त जो है ना बिल्कुल जो है ना गल चुका है। तो जफर ले आए थे, तो मैंने ना आलू वगैरह डाल के ऊपर रखे। तो देखते हैं, बस गैस के चक्करों में होता है पूरा दिन ऐसे ही, कि थोड़ा सिलेंडर जो है ना भरा हुआ है, तो थोड़ा गैस बच जाए इसमें। अच्छा जी, तो खाना हो गया मेरा, मुकम्मल पक चुका है, और काम मेरा जो है ना सारा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि खाने की टेंशन थी। तो खाने की टेंशन में मैंने अभी तक अपना काम भी ख़त्म नहीं किया, बर्तन भी मैंने देख लिया ऐसे ही पड़े हुए हैं। और बहुत गिरने लगी थी, और बहुत शदीद वाली जो है ना गर्मी हो रही है, धूप भी इतनी ज़्यादा मेरे उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, इतनी धूप है ना। आगे प्लास्टिक डाला हुआ, मैं आपको दिखाती, खाना बन चुका है। और देखा जी मम्मा जान, तो इधर को भी देख रही हूँ, और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई है। और ये के खाना जो है ना मेरा बन चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, खाना हो गया मेरा रेडी, और गोश्त और आलू मैंने बनाए, बीच में मैंने धनिया डाल दिया है, और गैस भी चला गया है, खाना भी बन चुका है मेरा। तो ये देखे, तो अभी मैं जल्दी से करूंगी काम खत्म, क्योंकि मेरा काम ऐसे ही सारा पड़ा हुआ है, सिर्फ खाने की टेंशन थी, खाना मुकम्मल हो गया मेरा। अच्छा जी, तो सारी अच्छे से मैं कर चुकी हूँ सफाई, बर्तन वगैरह सारे वॉश कर चुकी हूँ, अच्छे से मैंने काम जो है ना कर दिया खत्म। और ये मेरा बच्चा जो है ना बैठा हुआ है, तो वही बच्चों का काम क्या है, माँ के लिए काम जो है ना बढ़ा के रखना। तो यहाँ पे इज़र जी अपने फीटर लेके बैठी हुई है, और जफर जो है ना अभी भी नहीं आया, काम मेरा खत्म हो गया, जब वो आएंगे तो फिर रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब मैंने अच्छे से कर ली है सफाई, और दुनिया मेरी जो है ना यहाँ पे खेल रही है। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तपश इतनी हो रही, इतनी धूप कड़क वाली निकली हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। खाना मैं अंदर ले आई थी, तो मैंने बोला गर्मियाँ खराब ना हो जाए। तो जी काम वगैरह करके होगी मैं फ्री, जैसे कि आपने देखा है। और ये हम लोग ना प्लास्टिक ढाल लेते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा ये देखो कलर जो है ना ऑरेंज ऑरेंज लग रहा होता है, ये देखे। बाकी ये है कि वैसे कि दोपहर का हो रहा है टाइम, और ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। खाना मेरा वही जो मैंने आपको दिखाया रेडी कर चुकी हूँ, और ये आप मेरी स्किन देख रहे हो कि पैचेस जो आपको नज़र आते हैं, ये गर्मी इतनी ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देख रहे हैं।
चादरें डली हुई और ये पंखे की हवा ऐसी है कि स्किन क्या पूरी बॉडी को जला रही होती है। तो मेरी स्किन पे, आपको पता है चीक्स जो होते हैं बहुत सेंसिटिव हमारी होती है, तो ये मेरी चीक्स पे ना इतनी मजे के स्किन सेंसिटिव हुई हुई है मेरी, के बस के ये तपश की वजह से, ये गर्मी की वजह से जल गई है। और ये देख रहे हैं ये पैचेस पड़े हुए हैं, ये सारे ब्लैक कलर के पैचेस पड़े हुए हैं, जैसे छाइयों के निशान आ जाते हैं, स्किन झड़ जाती है तो अजीब सा फेस हो जाता है, तो वो हाल हो रहा है मेरा। बाकी गर्मी जो है ना बहुत ज्यादा है, और धूप, ये देख रहे हैं, ये मैं थोड़ी गैलरी की तरफ आई हूँ, ये आपको दिखाती हूँ, हमारा मशरूम है, ये देखें कितनी धूप है, और ये आसमान देखें कितना साफ हुआ, इतनी कड़क वाली धूप है और मजीद गर्मी हो रही है, मजीद जो होती है ना गर्मी वो वाली हो रही है। तो खाना वगैरह बना के मैं रेडी हो चुकी हूँ, और सब्जी मैं अंदर लेकर आई हूँ ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए, तो मैं फ्रिज में रखूँ, अभी भी गर्म हो रही है कि 12:30 11:30 के करीब करीब 12:15 के करीब करीब मेरा खाना रेडी हो चुका था। तो ये कि यहाँ पे ब्लॉग खत्म करते, दुआओं में याद रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तो ओके, अल्लाह हाफिज़।